अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फूड डायरीज ईद स्पेशल शो। आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम, नाइस ईद फेस्टिविटीज़। खाना पीना सब कुछ आपका अच्छा अच्छा हमसे सीख के हो रहा है, और ये सारी सारी रेसिपीज़ हमने जो सिखाई हैं वो आप ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे। ओके जी, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम शीर कोरमा बना रहे हैं और हम ज़ाफ़रानी मुर्गी से बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है। सो सैफ्रॉन बिरयानी यूजिंग चिकन, आप मीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज जो दूध इस्तेमाल करने जा रही हूँ शीर कोरमे में, उसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। सुताश लीडिंग डेयरी ब्रांड है टर्की का, 1975 से इन ऑपरेशन है। 78 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। 8 में से 10 जो हाउस होल्ड हैं वो एटलीस्ट एक सुताश का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। देयर टैगलाइन इज़ फ्रॉम नेचर टू यू। सो आज जो मैं दूध इस्तेमाल करने जा रही हूँ उसका नाम है मिल्क फील्ड्स। फुल क्रीम मिल्क ब्रांड है ये, और ऑल पर्पज़ मिल्क है। बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% फार्म मिल्क है, निशात के ओन डेयरी फार्म से ये सोर्स किया जाता है। लार्जेस्ट डेयरी फार्म है पाकिस्तान में, एंड 100% ऑफ देयर हर्ड इज़ इम्पोर्टेड काउज। सो शीर कोरमे के लिए कुदरत से आप तक मिल्क फील्स। दूध को हमें उबालना है, पूरा लीटर मैं लूंगी, और इसको काफ़ी रिड्यूस आपको करना है। सो जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। यहाँ चीनी है, इलायची है, और बादाम पिस्ते हैं, किशमिश है, और यहाँ छुआरे हैं, डेट्स हैं जिनको पानी में थोड़ा भिगो के इस तरह बीज निकाल के चॉप अप कर दिया है, या लंबे आप स्लाइसेस में काट लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूध के साथ साथ मैं चीनी भी डाल देती हूँ, चीनी भी इसमें साथ साथ पक जाएगी। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मुझे थोड़ा सा घी ले लीजिए, और उसमें ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम फ्राई कर देंगे, ठीक है। बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, जो भी आपको यूज़ करना है, और यहाँ छुआरे भी हैं। बेक पार्लर की हम वर्मिसेली यूज़ करेंगे, इसको मैं डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई करूँगी, वो अलग से हम साथ साथ करना शुरू कर देते हैं। छुआरे और ड्राई फ्रूट्स, इसको यहाँ निकाल देते हैं, फिर ये बाद में हम ऊपर से डालेंगे। और यहाँ जो किशमिश है पानी में मैंने रख दिया था, उसको भी आप हल्का सा सॉटे कर दीजिए। किशमिश बहुत जल्दी हो जाएगी, जस्ट मिक्स इट अप लाइक दिस एंड निकाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल यहाँ डाल दिया कुकिंग ऑयल में, बेक पार्लर की वर्मिसेली यूज़ कर रहे हैं।
इसको हल्की आंच पे आप फ्राई कर दीजिएगा। दूध और चीनी आपको यहाँ उबालना है अच्छी तरह। उसमें हम छोटी हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। फिर एक बोल में मैं छान लूंगी ताकि एक्सेस इसमें तेल ना जाए। ठीक है, इसको फ्राई करके फिर तेल निथार दीजिएगा और फिर इसको आप दूध में डालिएगा। जब तक मैं यहाँ दूध को उबाल रही हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक। देखते रहिए ईद का स्पेशल शो ऑफ फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। ईद मुबारक एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से। अब हम चिकन बिरयानी की तरफ आ जाते हैं। चिकन है यहाँ, ठीक है, उसमें हम मैरिनेशन की सारी चीज़ें डाल देते हैं। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ ले लीजिए आप। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे दही, ठीक है। फिर इसमें मैं डालूँगी नमक और ये है हल्दी, हरी मिर्चें पेस्ट ले लें या पीस लें, कूट लें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और ये है साबुत धनिया, साबुत धनिया ये आप डाल दीजिए। और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है कड़ी पाउडर, ठीक है। सो कड़ी पाउडर डाल दीजिए एंड मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल। अच्छा, ये मैरिनेशन लगा के आप चिकन को 3 से 4 घंटे या इवन ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं चिकन को इसके साथ। फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। आपको अनयूजल लगेगा ये, लेकिन बना के इसी तरह ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम डालडा कुकिंग ऑयल लेंगे। डालडा पर माओं का पिछला 80 साल से बेहद भरोसा है। अपनी ईट ट्रॉली की नित नई वैरायटी सजाएं डालडा कुकिंग ऑयल से, बनाएं लजीज और सेहतमंद खानों को। डालडा सेहत और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। आप भी डालडा इस्तेमाल करें, अपनी फैमिली का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि
करके दे लें, वॉट एवर दही था, थोड़ा सा हल्दी, कड़ी पाउडर, सॉल्ट, हरी मिर्चें चॉप की हुई और धनिया साबुत ले लीजिएगा, कूट के उसमें डाल दीजिएगा। चिकन को मैरिनेट करके आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चिकन को मैरिनेशन का टाइम बहुत ज़रूरी है। दूध के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, यहाँ मेरे पास है रोज़ वाटर, मैं दूध यहाँ डाल देती हूँ। सो रोज़ वाटर एंड मिल्क है थोड़ा सा, ठीक है, और उसमें आप डालेंगे ज़ाफ़रान। ठीक है, ये भी हो गया। फिर जब चिकन हम पकाएंगे, वंस दिस इज ब्राउन, प्याज थोड़े से अच्छे से ब्राउन हो जाए, इसके साथ हम रायता सर्व करेंगे। मिल्क फील्स का ये फुल क्रीम मिल्क अच्छी तरह बॉईल हो रहा है, और नेक्स्ट स्टेप इज टू जस्ट ऐड द नट्स, छुआरे वगैरह, वो मैं अभी कर दूं, ठीक है। इसको भी साथ साथ बॉईल होने दीजिए, स्पेशली छुआरे, बिकॉज छुआरे मैंने सिर्फ पानी में सोक कर दिए थे। अच्छा जी, जैसे ही ये हो जाए तो आप साबुत गरम मसाला इसमें शामिल कर दीजिए और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डाल के फिर फौरन आप चिकन शामिल करके चिकन को पकाने के लिए छोड़ दीजिए। जो मैरिनेशन था उसको भी अच्छी तरह अंदर डाल दीजिएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। थोड़ी देर के लिए ज़रा ढक्कन ढाँक देते हैं हम। शीर कोरमा अच्छी तरह पक रहा है, छुआरे भी मैंने साथ साथ डाल दिए थे, फ्रूट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो भी, वो भी सब पहले फ्राई करिएगा फिर डालिएगा। और फ्राई करने के बाद एक्स्ट्रा जो तेल हो या घी, मक्खन, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको निथार दीजिएगा। चिकन को मुझे अच्छी तरह भूनना है अब। टर्न करते रहिए मसालों के साथ, दही के साथ। कड़ी पाउडर इज समथिंग जो आपने शायद नहीं सुना होगा, समथिंग डिफरेंट सालन मसाले के नाम से हमें मार्केट में जो मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूंगी एंड लेट दिस कुक। ओके, मीनवाइल यहाँ जो मैंने रोज़ वाटर और दूध और ज़ाफ़रान लिया था उसको आप मिक्स कर दीजिए, और अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान होगा तो फौरन जाते ही अंदर कलर चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल गोइंग टू गो ऊपर से जब हम डालेंगे। चलिए अब ऐसे करते हैं, इसको मैं चलाती रहती हूँ, ज़रा थोड़ी देर और इसको हम उबाल आने देते हैं। चिकन हमारी पक रही है, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए ईट स्पेशल शो ऑफ फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी।
जी वेलकम बैक। अब यहाँ मैंने पानी उबालने रख दिया है, उसमें हम चावल डाल देंगे, ठीक है। चिकन हमारी ऑलमोस्ट डन है। इसमें हम नमक शामिल कर देते हैं। चिकन को अच्छी तरह भूनिएगा, इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं रायता बनाने के लिए चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। यहाँ हमारे पास दही है, दही ले लेते हैं। इसको हिलाते जुलाते रहिएगा ताकि जो बादाम है फ्लेक्ड आमंड्स वो ऊपर से ज़रा डालेंगे आप, क्रंची क्रिस्पी से मज़ेदार से रहें। इसमें भी थोड़ा सा धनिया और पुदीना हम डाल, ग्रेवी बहुत सारी नहीं रखिएगा, ठीक है। एंड यस दिस विल गो ऑन टॉप, बादाम और दही के रायते के साथ अब इसको सर्व कर दीजिएगा।
जब आपको लगे कि ग्रेवी काफ़ी कम हो चुकी है तो आप इसका चूल्हा बंद कर दीजिएगा, लेकिन कीप दिस चिकन वॉर्म। मैं बस वेट कर रही हूँ कि चावल हो जाएं, तो मैं चावलों को छान लूं। अभी हाफ डन है, हमें तीन चौथाई डन करने हैं चावलों को बिरयानी के लिए, और उसके बाद फिर चावल की तह, धनिया पुदीना और ये ब्राउन की हुई प्याज, फिर ये दूध जिसमें हमने रोज़ वाटर और ज़ाफ़रान मिक्स किया था, और जब सर्व करेंगे तो एंड में हम ऊपर से यहाँ टोस्ट किए हुए बादाम डालेंगे। समथिंग डिफरेंट, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे तो टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आएगा। चावल अभी हो रहे हैं, ठीक है। तो नाज़रीन, जब तक यहाँ हमारे चावल हो रहे हैं और चिकन भी दम पे मैंने रख दी है, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईट स्पेशल शो ऑफ फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो ऑफ फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी। यहाँ हमने चावल जो बॉईल कर दिए थे उसको मैंने छान लिया था, और चावल अब जाएंगे ऑन टॉप ऑफ आर चिकन, ठीक है। अच्छी तरह आप इस पे डालिए, फिर जो दूध, रोज़ वाटर और ज़ाफ़रान था वो मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तवा रख दिया है, दम पे इसको रख देते हैं, जब सर्व करेंगे तो फिर बादाम डालेंगे। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक कंपनी है इफ्तिखार अहमद एंड कंपनी, इट हैज़ अ लेगेसी ऑफ 50 इयर्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। फ्रूट नेशन एक प्रीमियर नेक्टर है, रियल फ्रूट्स से बनाया जाता है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स इसमें नहीं है। गिव्स यू द बेस्ट ऑफ नेचर फ्रॉम फार्म टू टेबल, जो हम कहते हैं वो। मैंगो चौंसा है, एप्पल है, फालसा है, और एक कॉम्बिनेशन गुआवा और बनाना का है जिसका नाम है गोवैना, क्या अच्छा नाम है। हेल्थ पंच है, इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है और आइडियल है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। स्ट्रॉबेरी और एप्पल का गुआवा, बेरी ऐप भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फ्रूट नेशन प्रीमियर नेक्टर्स आर अ फ्रूटी ट्रीट फॉर द एंटायर नेशन। फ्रूट नेशन, गुडनेस हमेशा। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं लश फन फिल्ड फ्रूट ड्रिंक है बच्चों के लिए, कोई इसमें एडिटिव्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है। 7 एक्साइटिंग फ्लेवर्स हैं, मैंगो एप्पल गुआवा, पीच, मस्ती पंच, लेमनिस्तान और मैंगो एप्पल। यूनिक फ्लेवर है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान, रिफ्रेशेज यू इंस्टेंटली। इसमें हिमालयन सॉल्ट है और मैंगो एंड एप्पल है। फ्रूट एक फर्स्ट टाइम इन्होंने मैंगो एंड एप्पल का कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सो हो जाए लश। ओके, नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू मेक टुडे, आज मैं यहाँ ब्लेंडर में बर्फ, फिर पुदीना, वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी नाइस पंच टुडे, ठीक है। और यहाँ मेरे पास है फ्रूट नेशन लश लेमनिस्तान, फिर ये है पीच फ्रूट ड्रिंक, फ्रूट नेशन लश, और फ्रूट नेशन मैंगो प्रीमियम नेक्टर, नो प्रिजर्वेटिव्स।
एंड एप्पल प्रीमियम नेक्टर। सो ये चार ड्रिंक्स को हमने फ्रूट जूसेस को मिक्स कर दिया है एंड इसमें बर्फ है और पुदीना है एंड देन ब्लेंडेड। चिल्ड आप ग्लासेस में इसको पेश करिए मेहमानों को ओवर ईद एंड दे विल रियली एंजॉय इट। रख देते हैं, रायता भी मैंने रख दिया है। अब और क्या रहता है, ऑफकोर्स आर बिरयानी जो दम पे है। अच्छा जी, ऐसे करते हैं, ब्रेक है तो मैं ब्रेक में इसको डिश में निकालती हूँ और वहाँ टेबल पे रख देती हूँ। आप लोग जाइए, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आइएगा। देखते रहिए ईद का स्पेशल शो ऑफ फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक, आई होप आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया होगा। ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी इज़ रेडी रायते के साथ और हमने शीर कोरमा बनाया था। दूध को बहुत अच्छा उबालना ज़रूरी है ताकि इस तरह का क्रीमी एंड थिक हो, एंड ऑफ कोर्स हमने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया था, मिल्क फील्स का। जो पंच बनाया है ज़रूर ये रेसिपी भी ट्राई करिएगा, इनके जो जूसेज हैं बहुत ही बेहतरीन हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ईद पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइएगा एंड डोंट फॉरगेट द लेस फॉर्चुनेट अमंगस्ट अस, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपके घर में नौकर हों या जो भी आपके हेल्पर्स हों, उनका भी खास ख्याल रखिएगा। तो अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल दोपहर में 3:30 बजे, तो देखना मत भूलिएगा, हमारे ईद की स्पेशल शोज़ हैं, ईद की ट्रांसमिशन चलेगी। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ऑल आर रिकॉर्डेड शोज़, आर लाइव शोज़, हमारे साथ रहिएगा। Have a very nice Eid weekend. आप दीजिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।